हाय एवरीवन, आई एम अंजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सा मेकअप लुक जिसे हम कैरी करेंगे आज साड़ी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का सीरम। इस सीरम के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग सीरम है। अच्छे से मैं अपना फेस मॉइस्चराइज करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एले गर्ल का फाउंडेशन, जिसके दो शेड्स मैंने मिक्स करके अपना शेड बनाया है, और मैं इसे अपने फेस पे लगा के अच्छे से ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसे मैं अपने अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज़, टेम्पल एरिया, चिन, नोज़, क्यूपिड एरिया यहाँ पे लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रीमी कॉन्टोर कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट चीज़ करने वाली हूँ, जो है लिक्विड ब्लश। तो यहाँ पे मेरे पास क्रायलॉन की पैलेट है, जिसमें से मैं ब्लश निकाल रही हूँ और उसे मैं अच्छे से अपने चीक्स पे लगा रही हूँ। बहुत नेचुरल फिनिश आती है। अगर आप क्रीमी प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट लगाओगे तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बेकिंग कर रही हूँ अंडर आई पे, और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ओके गाइस, तो मेकअप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम पॉज करते हैं और बात करते हैं अनलिस्टेड एसेट्स की। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि अनलिस्टेड एसेट्स एक वेबसाइट है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। आप में से काफी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो आप में से कभी किसी ने ये सोचा है कि ये जो हम रेगुलर स्टार्टअप यूज करते हैं जैसे ओला, ओयो, फार्मेसी, बोट, तो हम इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हम किसी कंपनी के आईपीओ आने से पहले उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? या देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ अनलिस्टेड कंपनीज की, यानी कि वो कंपनी जो अभी तक लिस्टेड नहीं है। और ये जो कंपनीज है ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है आज के टाइम पे। हमारे जैसे जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 70,000 से ऊपर की कंपनीज ऐसी है जो अनलिस्टेड है अभी तक, और 6,000 कंपनी ऐसी है जो लिस्टेड है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि अगर हम अनलिस्टेड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है लाइक प्रॉफिट कमाने की, पैसा कमाने की, तो वो कहीं ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो समझ आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और अगर आप ये शेयर बाय करते हो तो आपके जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, जो कि बिल्कुल सेम प्रोसेस है अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो। अब बात आती है कि अनलिस्टेड एसेट्स को बेचता कौन है। तो इसको बेचते हैं ESOP होल्डर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स और co-founders। सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है ना कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, तो आप ये पैसा कहाँ से कमाओगे? तो बेसिकली इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है unlistedassets.com, जो कि अनलिस्टेड एसेट्स को बेचता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हो और KYC करवा लेते हो अपनी, तो आपको मिल जाएगा एक ओयो शेयर फ्री में, और वो आपके क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपको बता देती हूँ जिसके शेयर्स आप खरीद सकते हो या फिर खरीद के बेच सकते हो। तो वो कंपनीज है ESDS, स्टरलाइट पावर, फार्मेसी, ओयो, बोट, HDFC सिक्योरिटीज, लावर, रिलायंस रिटेल, स्टार, मोबीक्विक, एक्सेट्रा। आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके नाम सुने होंगे जहां तक मुझे पता है। तो बेस्ट बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है अनलिस्टेड एसेट्स का, ये 100% सेव है एंड बैकअप बाय ICICI बैंक, इस्क्रो, SEBI रजिस्टर्ड ट्रस्टी एंड रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, और आपके शेयर्स, आपके पैसे, सब कुछ बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होने वाले हैं। तो इतनी बढ़िया बात मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है अनलिस्टेड कंपनी के अंदर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आ रखी है और वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है। उसको क्लिक करो, खुद को लॉग इन करो, साइन अप करो और KYC करो, और आपको मिलेगा एक ओयो शेयर फ्री। आई मेकअप करने के लिए मेरे पास है यहाँ पे स्टेसी मैरी की कार्निवल XL प्रो पैलेट। बहुत अमेजिंग पैलेट है। अगर आपको पसंद है तो मैं इसके ऊपर रिव्यू ज़रूर बनाऊंगी। काफ़ी पिगमेंटेड शेड्स हैं। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये ब्राउन कलर, और यहाँ पे मैंने सिर्फ पैक किया है कलर को और एक शेप में। अच्छे से पैक करने के बाद मैं इसे ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं मरूनिश ब्राउन कलर ले रही हूँ, और इसको मैं ट्रांजिशन कलर के नीचे लगाऊंगी ताकि एक डार्क डेप्थ हो जाए। अब बारी आती है कट क्रीज करने की। तो यहाँ मैंने चूज किया है फुल कट क्रीज, तो मैं यहाँ पे फ्लैट कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं फुल कट क्रीज करूंगी।
उसके बाद मैं इसको कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करके मैंने यहाँ पे इसे पाउडर लॉक किया है। पाउडर लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पिंक शिमर शेड, जिसको मैंने पूरे आईलिड पे अप्लाई किया है। बहुत लाइट सा शिमर शेड है ये। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लूज पिगमेंट। प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट अगर आपको फिर भी, वैसे मैं थॉरली बता देती हूँ कि ये आई मैजिक का P1 डायमंड कलर का जो है पिगमेंट है। उसके बाद बारी आती है लाइनर लगाने की, और लाइनर मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लगाया है। लाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे आईलैश लगा रही हूँ, मैंने ऑफलाइन आईलैशेस लगा लिए थे। अब बारी आती है अंडर आई करने की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल को मैं हल्का सा स्मच करूँगी और उसके बाद मैं ब्राउन और मरूनिश सा कलर मिक्स करके जो है अंडर आई ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। बस हमें इतना ही करना है। ओवरऑल हमारा आई मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से फेस पे आते हैं। हाई पॉइंट्स पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल और प्रिटी सा हाइलाइटर है ये। अब बारी आती है लिपस्टिक की, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा लुक चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से मैंने यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक लगा दी है, एंड दिस इज़ व्हाट द फाइनल लुक लुक्स लाइक। एंड आई होप कि लुक आपको पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं किया है हमने। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।